ये सारी मशीन तूने खरीदी है या फिर रेंट पर ली है? कैसी बातें कर रहा है यार, खरीदी है। यहाँ पर ना दो शिफ्ट में काम चलता है। इनफैक्ट मैंने तो 6 और मशीन ऑर्डर कर दी, जनवरी तक वो भी आ जाएंगी। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वर्क हैज रियली पिक्ड अप। या ऑफ कोर्स, लॉकडाउन के बाद तो सभी का काम धीरे धीरे पिकअप हो ही रहा है। मुझे ना लॉकडाउन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, अनलॉक 1 के बाद ही सारा काम फिर से शुरू हो गया। एंड लकीली आई कैन जस्ट वॉक टू वर्क। और ये जो सारा स्टाफ दिख रहा है ना, इनके लिए भी इसी कॉम्प्लेक्स में मैंने एक फ्लैट रेंट आउट कर दिया, सो नोबडी हैज टू गो आउट, एवरीथिंग इज सेफ, परफेक्ट। क्या बोलता है बच्चे, हाउ कूल इज दिस शर्ट यार, आई मीन मन कर रहा है हवाई चला जाऊं। कैन आई टेक दिस? हां, ये तू क्या पहन कर आ गया रे, बिल्कुल वो नुक्कड़ का रंगा ज्यादा लग रहा है। तो है ना अपन, हाँ एकदम रापचे। क्या बोलता है बच्चे, उतारू तेरी कच्चे। भाई भाई एक रिक्वेस्ट है, ये शर्ट प्लीज तो उतार दे यार। हाँ, इस शर्ट की भी ना एक मार्केट है ना, इट्स फॉर ए निश मार्केट, नॉट फॉर ए नीच मार्केट। मुझे तो लगा अच्छी है, अच्छी नहीं है क्या? अरे शर्ट तो बहुत अच्छी है, बट यू डोंट हैव द पर्सनालिटी टू पुल इट ऑफ। ये शर्ट पहनकर तू घर जाएगा ना, रोहिणी तुझे पक्का घर से बाहर निकाल दे। जा उतार दे। बात कर रहा है, मैंने तो पर्पल, मजेंटा, ब्लू सारे कलर शॉर्टलिस्ट कर रखे थे। ये नहीं सुधरेगा। एक मिनट भाई, 3-tiered सिक्योरिटी सिस्टम है, बिना कोड के कोई एंटर नहीं कर सकता। नाउ यू कैन प्लीज। ओ हां भाई, सो कूल है। Yeah. बहुत ही सुंदर घर है यार, and I love the detailing. है ना मीरा? Oh yeah yeah. Especially the kitchen is so beautiful. It's really pretty. अच्छा, let me show you something. वो जो बिल्डिंग दिख रही है सामने, वो वाली? Yes. Yeah. Factory यूनिट हमारा वहीं पर है. Wow. That's convenient. So close. Yeah. मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं पहुँचने में. Nice. मेरे को तो शर्ट ठीक लग रही थी वो. तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो. Vivek. Listen Vivek. The house is really very pretty और कितना spacious है, और यहाँ move करने का decision तो बहुत ही अच्छा था। क्या रोहिणी, अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था, मेरा decision हमेशा best ही होता है ना? हाँ, लेकिन यहाँ घर लेने का decision तुम्हारा नहीं था। In fact मैंने force किया था कि जाओ ये property देख के आओ। भूल गए? Really? हाँ भूल गया। अबे ये तो मुझे भी याद है, तू लॉकडाउन के पहले हमें यहाँ लाया था ताकि यहाँ ना शिफ्ट होने के बहाने ढूंढ सके, श्रुति को रॉन्ग प्रूफ कर सके। क्या क्या ऋषि, तुम हमें लड़वाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बोलना अभी, तू भी तो आया था साथ में। नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, क्या बोल रहा तू? कुछ भी बोल रहा है यार तू, बस कर मैं। कुछ भी याद कैसे नहीं होगा, नीचे बस कर यार। अरे हम लोग का गार्डन हो गया ना, बस बहुत ही घटिया मजाक था और किसी को भी फनी नहीं लगा, सो जस्ट स्टॉप इट। ओह व्हाट अ व्यू, हां ब्यूटीफुल। और ठंड कितनी हो गई है। क्या ठंड, मुझे तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। प्लीज यार, द विंटर्स आर फाइनली हियर। व्हाट विंटर्स, एम आई द ओनली वन जिसे ठंड नहीं लग रही है? सबने जैकेट पहने हुए हैं। मुझे भी नहीं लग रही है, क्या ठंड। तो फिर तुमने जैकेट क्यों पहनी हुई है? समर जैकेट बेबी। ओके गाइस, चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं। ओके, अरे पहले गेम के रूल्स तो बता दो। हाँ, गेम के रूल्स तो सिंपल है। सो इस बॉल में क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी एक हस्बैंड एक चिट पुल आउट करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा और फिर सब वाइव्स उसका आंसर लिख के इस बॉल में डाल देगी, और फिर हस्बैंड को एक एक चिट निकाल के गेस करना है कि उनकी बीवी का आंसर कौन सा है। ओह वाओ, ओके। अरे गेम बाद में खेलेंगे ना श्रुति, लेट्स हैव अ ड्रिंक, गेट टू नो ईच अदर बेटर। नहीं बेबी, बल्कि इस गेम से तो पता चलेगा हाउ वेल वी ऑलरेडी नो ईच अदर। इट्स अ वंडरफुल गेम। या आई लव इट। या साउंड्स लाइक फन। चलो गाइस लेट्स प्ले। या या चलो भाई। हां ड्रिंक तो पी लेते हैं। ओके सो फर्स्ट चिट ऋषि, What's your favorite color? Oh. Yellow. ये तो रोहिणी का हो ही नहीं सकता। मीरा का भी नहीं हो सकता। तुम लोग श्योर हो? या 100%। तो ठीक है, देन आई क्लेम इट। येलो श्रुति का फेवरेट कलर है। नेक्स्ट इट ब्लैक। ये तो डेफिनेटली मीरा का है, शी लव्स ब्लैक। ये तो रोहिणी का ही है। और ग्रीन, ग्रीन कब से तुम्हारा फेवरेट कलर हो गया? बेबी मेरा फेवरेट कलर तो येलो है। येलो तो इस, और मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, ये येलो कहाँ से आया? बेबी मतलब मैंने येलो इसलिए बोला कि मुझे लगा कि यू नो यू लुक गॉर्जियस इन ऑल द कलर्स। ऑरेंज तो बेबी तुम्हारा फेवरेट कलर था ना। ऑरेंज कब था?
अरे याद है हम लोग गोवा में थे, वो नाइट मार्केट में भी गए थे इतना दूर टू गेट यू दैट ऑरेंज बैग। वो याद है तुमको इतने साल पहले, तब तो शादी भी नहीं हुई थी हमारी, और अब पिछले दो साल से येलो है, वो नहीं याद। वाह कलर चेंज। एक मिनट यार, सारी चिट्स एक साथ खोलनी चाहिए, इस गेम में ना बहुत सारे लूप होल्स हैं यार। ये किसने बकवास गेम सिखाया तुम्हें? बहुत ही बकवास गेम है श्रुति, मैंने खुद सोची। बहुत अच्छी गेम है, नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली ना मुझे लगता है कि हम लोग प्रॉपर रूल से नहीं खेल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक मिनट, लूपहोल्स नहीं है गेम में, लूपहोल्स तुम लोगों में है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है गेम खेलने में, राइट? हां, इट्स अ फेयर गेम यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज जो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर बदल ले। ओके, तुम्हारी दूसरों के बारे में सोचने की आदत बदल लो, कभी कभार अपने लिए भी सोचा करो। आई नो ये अभी नहीं लिखा है, अभी बाकी की चिट्स खुली नहीं है। आई नो बट आई वॉन्ट टू क्लेम दिस, क्योंकि मुझे पता है ये अभी नहीं लिखा है। इवन आई वॉन्ट टू क्लेम दिस, क्योंकि मैं तो हूँ ही सेल्फलेस, सबको पता है, तो ऑब्वियसली ऋषि को भी पता ही है। बट इवन आई वॉन्ट टू क्लेम दिस बिकॉज अभी रिसेंटली लॉकडाउन से पहले मुझे विवेक ने कहा कि अब मुझे सब कुछ अपने मन से कर लेना चाहिए। ठीक है, इसका डिसीजन हम बाद में लेते हैं, अभी बाकी के आंसर देखते हैं, राइट? ओके, अपना करेले बनाने का तरीका बदल दो। ये ऋषि तो हो ही नहीं सकता बिकॉज हमारे घर तो करेले बनते ही नहीं है और अभी भी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे मैं करेले बनाती हूँ अभी को बहुत पसंद है, वो तो प्लेट चाट जाता है। तुम्हें मेरे हाथ के करेले नहीं पसंद, तो पहले कुछ बोला क्यों नहीं? यार बोलना तो बहुत बार चाहता था पर चांस आज मिला तो आज बोल दिया। नहीं एक्चुअली पता है क्या, तुम्हें ना वो जो मम्मी बनाती है ना वो टाइप की रेसिपी में करेले बनाने चाहिए, वो फ्राइड वाले, है ना? हाँ हाँ, डीप फ्राई करके तो हर चीज टेस्टी बन जाती है, बट हेल्दी भी तो होनी चाहिए ना। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं अब से करेले ही नहीं बनाऊंगी। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। या हर चीज को जनरलाइज करने की आदत बदल लो। जनरलाइज मतलब? जनरलाइज मतलब तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम हर चीज वैसे करते हो, यू ऑलवेज। ये तुम्हारा आंसर है, जनरलाइज तो तुम कर रहे हो यार, ऐसा बोल के कि हर चीज को जनरलाइज करती हूँ मैं। प्लीज, मैंने कब जनरलाइज किया? नहीं बेबी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हर चीज जनरलाइज करती हो, मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई भी चीज जनरलाइज नहीं करनी चाहिए। ये जनरलाइजिंग की जो आदत है वो जनरली नहीं होनी चाहिए, है ना? तो जनरली बोलो ना, जनरलाइज क्यों बोल रहे हो? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके चलो, एटलीस्ट एक बात तो प्रूव हो गई कि वो जो फर्स्ट बात थी वो अभी नहीं बोली थी। सी आई न्यू इट बिकॉज़ वो मुझे बहुत बार बोल चुका है। अच्छा गाइस, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ? Marrying you. अच्छा? Guess what? Marrying you. तीसरे वाला भी खोल लो भाई। Guys, this is unbelievable. You won't believe this. Marrying you. What? क्या photocopy किया क्या? This is unbelievable. बड़ा beautiful coincidence. पहले वाला तो रो ही नहीं गया था। Wow. अच्छा, writing देख लो। किसकी किसकी writing? Next question. What is the one thing you never want your spouse to change? Amazing questions yaar, lagta hai tumne bahut research ki hai in questions ko select karne se pehle. Yeah, actually 2 hafte lage mujhe ye sab sochne mein. Wow. Dikh raha hai. Acha hard work. Yeah. Chalo chalo, dalo. Ready hone ke baad baar baar kapde mat change kiya karo. तेरे साथ भी पर मेरे वाला ज्यादा फनी है। क्या बात कर रहा है? सुनना, तू हंस हंस के गिर जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी करना पड़ता है अगर वैलिड रीजन हो तो। एंड अगर अच्छे नहीं दिख रहे तो इट्स बेटर टू चेंज, राइट? या आई, या ऑफ कोर्स, डोंट चेंज द चैनल। चैनल? टीवी चैनल तूने लिखा है? नहीं, तूने लिखा है? नो, मैंने लिखा है। सो फनी, आई मीन वो टीवी रिमोट बार बार टिक चैनल चेंज, आई मीन आई एम वाचिंग समथिंग, डोंट चेंज। तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि टीवी का चैनल ना चेंज करूं, तुम सारा दिन क्रिकेट देखते रहो? नहीं, मैं फुटबॉल देखता हूं। विंबलडन तूने वो लास्ट मैच देखा? ओके फाइन,
never change the way you smile. Aww. कुछ सीखो तुम अभी से. कुछ सीखो मतलब मुझे तो लग रहा है तुम लोग इस गेम के रूल्स ही नहीं सीखे हो. द गेम इज अबाउट गेसिंग कि आपके पार्टनर ने कौन सा आंसर लिखा होगा, ना कि किसको कौन सा आंसर बुरा लगा. अरे आंसर्स कांट ओनली बी फैक्चुअल ना, सिर्फ ट्रुथ पे बेस्ड थोड़ी होंगे, फन भी तो होना चाहिए. वी हैव टू हैव फन राइट. और अगर आप लोगों ने आंसर नहीं गेस किया तो आप लोग हार गए, हम लोग जीत गए, सिंपल. एनीवे यार चलो, आई नीड टू हैव अ ड्रिंक. सही बोल रहा है वो यार, बेकार गेम. ये क्या बात हुई यार? अरे यार गेम तो कंप्लीट कर लेते हैं. अरे ये देखना यार, यार तुम दोनों कितने बड़े पागल हो, ऐसे गेम्स में कोई ऐसे आंसर्स लिखता है क्या? तू बड़ा सर्वगुण संपन्न पति है. और हट यहाँ पे ना, तुझसे कोई बात नहीं करनी, तुझे ज्ञान देना ना, जा वहां बैठ के उनको ज्ञान दे. और क्या तेरे लिए बहुत जरूरी है तेरा ये स्टैंडर्ड इतना हाई सेट करना? हर बार बस तुझे मीरा ही दिखती है, दोस्तों का कुछ नहीं. वहां पे बैठे बैठे फेंके जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है. अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा था यार, मैं तो सच बोल रहा था. क्या सच बोल रहा था, क्या सच बोल रहा था तू? तुझे क्या लगता है तुझे ही अपनी बीवी से प्यार है? हम लोग अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते. हाँ? तू ना हर बार ऐसे करता है. उस दिन डमशिराज में भी ऐसे ही किया इसने. इसको तो कोई गेम ही नहीं खिलानी चाहिए, इनफैक्ट इसको तो सारे ग्रुप से निकाल देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए इसको. स्माइल वाला बोल. हाँ, स्माइल. वो क्या लिख रहा था पर्ची में? मे यू नेवर चेंज द वे यू स्माइल. क्या हमें नहीं लगती हमारी वाइफ अच्छी स्माइल करती हुई? वो रोती रहे बस. और मीरा तो उतना स्माइल भी नहीं करती यार. और वो कोई सेल्फलेस वेल्फलेस है नहीं यार. मैं जब तेरे घर आया था ना, मैंने उसे कहा था मेरे लिए गुलाब जामुन रखना, दो पड़े थे, दोनों कपक गई. क्या तुझे गुलाब जामुन नहीं मिले? नहीं दिया यार, मैंने बोला था रखने को. और ये क्या बोल रहा था? सेल्फलेस. तो सेल्फिश हुई ना वो. यार तुम दोनों कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो यार. हाँ बच्चे हैं पर दिल के सच्चे हैं. हाँ. तेरी तरह झूठे, श्रूड, मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव, चतुर, चालाक नहीं, बिल्कुल सही, कट्टी. और अब ना ये भी नहीं मिलेगी तुझे. यार तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे इट्स जस्ट अ गेम. मेरी क्रिसमस गाइस. This video was done in association with Empire Centrum Ambernath. One of its kind integrated residential plus industrial township spread across 35 acres of land. नए साल की नई शुरुआत कीजिए and get some special discounts by clicking on the link in the description below. And guys, we have a contest question today. आपने एपिसोड तो ध्यान से देखा होगा, तो आपको ये बताना है कि हमने टोटल कितनी चिट्स का इस्तेमाल किया क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों के लिए. That's it. Leave your answers in the comments below. और भाइयों और बहनों, मेहरबानों, कदरदानों, दीवानों, मुझे पहचानो, हम सबको पहचानो और खूब सारा प्यार दो हमें. और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो SIT को. जल्दी से जल्दी हमें 2 मिलियन तक पहुंचाओ यार. दो दो 20 मिलियन तक पहुंचाओ. अरे पहले 2 मिलियन, फिर 3 मिलियन, फिर 4, 50 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन. दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू. मेरी क्रिसमस. हैप्पी न्यू ईयर. ये बिल्डिंग वालों को उठा दो भाई. दिस इज अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस बाय द वे. कहां से सीख के आता है ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस? ये बस अंदर से निकलता है ऐसे धीरे धीरे करके. ऐसे जब यूनिक चीजें होती हैं तो होता है. ऑफिस इतना पास है ना, बहुत टाइम लगता है. आई कैन वॉक इन थिंक और वॉक बट आई वॉक टू वर्क एंड थिंक. ये बात तो हो गई कि तू असली पहले किसी भी बात को जनरली जनरलाइज नहीं करना. कोई सेंस नहीं बनी हां. वरना क्लोज में बनाएगा सेंस. चलो एक्शन. क्लोज में डायलॉग पढ़ना, पढ़ के बोलने का बोलेंगे. एक्शन. आप स्पेलिंग मिस्टेक. रेडी. येलो. ये तो रोहिणी का नहीं हो सकता. क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है यार, ये रोहिणी का नहीं हो सकता. देखो जेन्युइनली अभी भी किसी ने तेरा माले ज्यादा कर क्या होगा बेबी? क्या करेंगे तू बिचारी.